स्टूडेंट्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा संवाद के रूप में शिक्षक की भूमिका। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको संवाद के रूप में शिक्षक की भूमिका बताई थी, लेकिन इसमें मैंने दो भागों में इसका विभाजन किया था। प्रथम, जो हम विद्यालय ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात जो ज्ञान हम विद्यालय से प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान का हम औपचारिक ज्ञान कहते हैं। तो वो औपचारिक ज्ञान के बारे में मैंने आपको वर्णन किया था कि औपचारिक ज्ञान में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। और जो सेकंड था हमारा, वो था हमारा अनौपचारिक ज्ञान, यानी कि जो विद्यालय से बाहर प्राप्त किया जाता है, विद्यालय से बाहर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये ज्ञान था हमारा अनौपचारिक ज्ञान। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि अनौपचारिक ज्ञान जो है उसके अंदर हमने ये देखा था कि ज्ञान में शिक्षक की भूमिका, और ये भी मैंने आपको बताया था कि शिक्षक यानी कि अगर हम औपचारिक ज्ञान ले रहे हैं तो विद्यालय में जो हमारे गुरु हैं वो हमारे शिक्षक की भूमिका है। लेकिन हम मानते हैं कि शिक्षक जो है वो हमारे परिवार में हमारी प्रथम जो हमारी माता है वो भी हमारी शिक्षिका होती है। तो वो भी हमारा जो विद्यालय से बाहर का ज्ञान है उसमें भी हमारे शिक्षक है। हम कहें कि हमें जो भी ज्ञान देते हैं विद्यालय में या विद्यालय से बाहर, वो एक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। तो ये अनौपचारिक जो ज्ञान है, अनौपचारिक रूप में जो आज की वीडियो है कि शिक्षक की क्या भूमिका है, ये मैं अनौपचारिक रूप में जो शिक्षक की भूमिका होती है उसके बारे में मैं वर्णन कर रही हूँ। इसीलिए मैंने इसका भाग दो के रूप में इसका विभाजन किया है, जिससे कि हम जो प्रथम वीडियो है वो और जो सेकंड वीडियो है उसमें हम कंफ्यूज ना हो। अब हम देखते हैं कि संवाद यानी कि बोलने के रूप में शिक्षक की भूमिका। तो हम जो अनौपचारिक ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, अनौपचारिक रूप में हम बात कर रहे हैं, विद्यालय से बाहर के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमें हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो आस पड़ोसी हैं, उनसे हमें किस तरीके के ज्ञान मिलता है, किस तरीके से वो हमें संवाददाता के रूप में हमारे भूमिका निभाते हैं, तो उसका वर्णन हम कर रहे हैं। हम सबसे पहले करते हैं क्रमबद्धता का अभाव। हमने देखा है कि जो विद्यालय से हम ज्ञान प्राप्त करते थे, जो औपचारिक ज्ञान प्राप्त हम करते थे, उस ज्ञान में हमारा एक क्रम होता था, चाहे वो हमारे स्तर का हो, हमारे मानसिक, जिसमें कि हम देखते हैं कि जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हमें प्रथम जो प्रवेश लिया जाता है वो हमारी किस कक्षा में सर्वप्रथम, हम कहें कि हमें सबसे पहले प्रथम कक्षा में हमारा जो उसमें हमारे प्रवेश मिलता है, उसके बाद हम क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं। उसी तरीके से जब हमें क्रम का ज्ञान दिया जाता है, तो हमने देखा है हमें किसी भी विषय का अगर हमें ज्ञान दिया जाए तो उसमें क्रमबद्धता होती है, जो कि अपने स्तर के अनुसार उसमें क्रम से चलती है। उसमें ये नहीं होता कि हमें जो ज्ञान हमें सर्वप्रथम हमें जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है वही ज्ञान हमें मिलता है, अर्थात हम वहाँ पर जब पाठ्यक्रम की जब शिक्षक रूपरेखा तैयार करते हैं अपने पढ़ाने की, अपने विषय वस्तु की, तो वो एक संवाददाता के रूप में जब कक्षा में प्रवेश करते हैं तो वो अपने ज्ञान किया का एक क्रम निर्धारित करते हैं कि उन्हें किस क्रम में उन्हें अपना ज्ञान देना है। जैसे हम कहें कि हमारा जो क्रम जो रहता है विद्या पढ़ाने का, उसमें हमें सर्वप्रथम किस मुख्य बिंदुओं का उसमें निर्वय करना है, उन बिंदुओं को हम निश्चित करके और हमारी रूपरेखा बना के उस क्रमबद्ध ज्ञान को हम सुचारू रूप से संचालित करते हैं। तो यही चीज इसमें है कि अनौपचारिक ज्ञान में ये क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होता, उसमें कोई भी क्रम निश्चित नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बच्चा किसी मेले में जाता है, अगर ये हमारा, क्योंकि ये ज्ञान हमारे विद्यालय से बाहर का है और इसमें क्रमबद्धता का अभाव होता है, अगर बच्चा हमारा जब किसी मेले में जाते हैं हम देखते हैं तो बच्चा बहुत सारी चीजों को देखता है, जब बहुत सारी चीजों को देखते हुए उसे कोई एक चीज उसे पसंद आती है तो जरूरी नहीं है कि जो जो चीजें उसने देखी है वो सारी चीजों का वो अध्ययन करेगा या उस चीज
उसका ज्ञान प्राप्त करेगा, वो केवल उसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करेगा जो वस्तु उसे पसंद आई। यानी कि उसने क्रम का ध्यान नहीं रखा कि फर्स्ट जो हमारी मेले में हम गए कि फर्स्ट टेबल पे कौन सी थी, सेकंड पे, उसने सिर्फ और सिर्फ उसी चीज का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की जो कि उसे पसंद आई, और वहां भी उसने पसंद आने पर उस चीज का कोई क्रम निर्धारित नहीं किया। हो सकता है वो उस चीज को उठा के सबसे पहले ये पूछे कि इसका कोई दूसरा कलर है, या हम कहें वो ये कहे कि इसकी क्या प्राइस है, या वो ये कहे कि ये जल्दी टूटेगी तो नहीं, या ये कहे कि ये किस चीज की बनी है। अर्थात उसकी जो ज्ञान लेने की जो क्रम है, उसका ज्ञान ग्रहण करने का उसमें कोई भी क्रम नहीं है। तो हमारे जो अनौपचारिक ज्ञान है उसके अंदर क्रमबद्धता का अभाव होता है, उसमें कोई भी क्रम नहीं होता। अर्थात बालक जो ज्ञान ग्रहण करता है उसमें कोई भी क्रम निश्चित नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अनौपचारिक ज्ञान जो होता है वो क्रमबद्धता का उसमें अभाव दिखाई देता है। सेकंड है हमारा प्रारंभिक संवाद की कमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं तो प्रारंभिक संवाद के रूप में वे बच्चों से अपना सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी करते हैं। अर्थात जब हम नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं, नवीन ज्ञान को हमें बच्चों को प्रसारित करना है, बच्चों को देना है, तो उस ज्ञान को प्रसारित करने के लिए हमें उस चीज के बारे में पहले प्रीवियस ज्ञान के बारे में बच्चों से जानना होता है। उसमें हम सामान्य ज्ञान बच्चों से जानते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारा जो विद्यालय ज्ञान है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करते हैं। लेकिन यहाँ जब हम विद्यालय से बाहर जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अनौपचारिक ज्ञान, तो उसमें कोई भी प्रीवियस, अर्थात हम ये कहें कोई भी सामान्य ज्ञान की जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ हमारे प्रारंभिक संवाद की ना तो यहाँ आवश्यकता होती है, ना यहाँ हम लेते हैं। जो हमारे शिक्षक बनते हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे माता पिता हैं, कोई भी है, तो हमें वो सामान्य ज्ञान वो हमें नहीं दे सकते। इसीलिए यहाँ प्रारंभिक संवाद में हमारे सामान्य ज्ञान का अभाव रहता है। फिर है हमारी अनौपचारिक व्यवस्था। प्रथम जो हमने देखा था औपचारिक ज्ञान में, तो हमें औपचारिक व्यवस्था दी जाती थी। अर्थात जिस जिस विषय की जहां पर व्यवस्था होती है वहां बैठते हैं, साथ में हमारा समय होता है। औपचारिक का मतलब हम जब समय निश्चित रहते हुए, एक समय सीमा निश्चित होती है, उस समय के अंतराल हमें वो शिक्षा ग्रहण करती है, उस अंतराल के अंदर हमें विद्यालय में प्रवेश करना होता है। लेकिन अनौपचारिक व्यवस्था है तो उसमें ना तो समय का निर्धारण होता है, ना या समय का कोई मापदंड होता है। विद्यार्थी यानी कि जो ज्ञान ले रहा है वो कभी भी आकर उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, यानी कि उसमें ना समय, ना उनकी समय सारणी का विभाजन होता है, ना उस समय सारणी में उनकी विषय का। हम ये देखते हैं अनौपचारिक ज्ञान में जब बच्चा, कई बार होता है कि बच्चा छोटा सा एक गाय को देखता है, गाय को जब वो छोटा बच्चा देखता है तो उस गाय को जो प्रथम उसकी जो पहचान है वो उसके रंग रूप और आकार से करता है, तब वो ये जानता है कि ये गाय का स्वरूप है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बड़े होने के बाद में उसको उस ज्ञान की, यानी कि उस जो गाय है उसकी उपयोगिता के बारे में उसको पता चलती है। अर्थात अनौपचारिक ज्ञान हुआ, उसने उस ज्ञान में कोई भी समय तय नहीं किया, यानी कि उसने जब छोटा था तब तक इतना ही ध्यान रखा कि इस ज्ञान को, उस गाय का आकार और रंग रूप, लेकिन उसकी उपयोगिता पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसकी उपयोगिता पर उसने ध्यान दिया जैसे जैसे वो बड़ा हुआ। तो इसमें यही कहा जाता है कि लेकिन जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमारे विद्यालय में हम देखते हैं कि हमारी एक समय निश्चित होती है प्रत्येक चीज की। हम देखते हैं कि एक वर्ष में हमें एक, जो हमारी एक कहते ना, एक कक्षा को हमें पास करना होता है, यानी कि हमारा वहाँ समय है। ऐसे ही वहाँ पर हमारे जो एक पढ़ाने के जो शिक्षक आते हैं उनके लिए एक समय सारणी तय होती है कि हमारे इस विषय का, इस विषय के शिक्षक हमें इतना टाइम तक पढ़ाएंगे और इस विषय के शिक्षक हमें, यानी कि हमारे समय सारणी विषय के अकॉर्डिंग उसमें निश्चित होती है। लेकिन जो अनौपचारिक ज्ञान हम ज्ञान ले रहे हैं इसमें कोई भी हम समय सारणी नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था होती है अनौपचारिक। इसमें बच्चा कभी भी आओ और कभी भी ज्ञान प्राप्त करे। और औपचारिक ज्ञान में ये होता है कि बच्चे के लिए एक समय निर्धारित होता है,
चुकवाना होता है एक समय के समय और नियम में बंधे हुए होते हैं, लेकिन अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम जब विद्यालय से बाहर के रूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं अनौपचारिक के रूप में, तो हमारी व्यवस्थाएं भी अनौपचारिक हो जाती हैं। उसमें शिक्षक अगर अपनी कहते शिक्षा के अनौपचारिक रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, फिर है हमारा इस तरह अनुकूल ज्ञान का अभाव। हमने पहले भी देखा था कि जो हम विद्यालय से ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान में हमारे एक स्तर निश्चित होते हैं, यानी कि उस स्तर के अकॉर्डिंग हमें ज्ञान दिया जाता है। चाहे हम देखें हमारे पाठ्यक्रम तक जो हमारा पाठ्यक्रम बनता है वो हमारे स्तर अनुकूल बनता है। हम देखें हमारे जो प्राथमिक, हम देखें हमारे उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, हमारे उस स्तर पर हमारे क्या जो हमारा समय सारणी हमारा पाठ्यक्रम बनता है वो हमारे उस अकॉर्डिंग बनता है। लेकिन जब हम अनौपचारिक ज्ञान ले रहे हैं उसमें हमारा कोई स्तर नहीं होता। हम देखते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग जो है जो कभी ज्ञान उपदेश किसी संत महात्मा के पास में जाके और अपने ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, वहां हमने देखा क्या हमारे जो बच्चों के लिए कोई पृथक व्यवस्था की गई है कि उनके स्तर के अनुसार उन्हें भी कोई ज्ञान प्रदान करे? ऐसा नहीं होता, उन्हें भी वही उपदेश सुनने होते हैं जो कि बड़े सुन रहे हैं, यानी कि उनके स्तर के अकॉर्डिंग नहीं होते। यहाँ उनके स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता, ये नहीं कि बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं या नहीं। तो कहते हैं कि उन्हीं उपदेशों को उन्हें भी सुनना होता है, वहां पर उनके स्तर का जो उनका मानसिक लेवल है उसका ध्यान रखा नहीं जाता। तो यहाँ पर जब हम औपचारिक ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो यहाँ हमारे किसी स्तर का भी ध्यान रखा नहीं जाता। फिर आता है हमारा इसमें विशेष पाठ्यक्रम का अभाव। विशेष पाठ्यक्रम मैंने बताया था कि विशेष पाठ्यक्रम औपचारिक व्यवस्था में भी औपचारिक रूप में भी बताया था कि विशेष पाठ्यक्रम ऐसा पाठ्यक्रम होता है जिसमें कि हम कमजोर बच्चों के लिए एक विशेष व्यवस्था करते हैं, यानी कि बच्चे जो कहते ना कि या तो कमजोर बच्चे जो सभी विषयों में कमजोर है या कुछ जिनकी कोई विषय अगर उनकी कमजोर होती है तो उनके लिए एक पृथक व्यवस्था की जाती है जहां बैठकर वो बच्चे और एक्स्ट्रा वहां पर ज्ञान ले, जिसे हम कहें कि एक्स्ट्रा क्लासेस, विशेष व्यवस्था वहां बनाते हैं और विशेष व्यवस्था के आधार पर उन बच्चों का विभाजन करके और उन्हें उस व्यवस्था में समाहित करके उन्हें वो ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जो हमारा अनौपचारिक ज्ञान होता है उस अनौपचारिक ज्ञान में हमारी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, वहां पर ये जानना मुश्किल हो जाता है कि किस बच्चे को कौन सा ज्ञान है। यहाँ पर सभी समान और सभी वो एक ही तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि हमारे जो विशेष पाठ्यक्रम का इसमें अभाव होता है वो विशेष पाठ्यक्रम हम यहाँ पर ग्रहण नहीं कर पाते हैं। फिर है इसमें विशेष शिक्षण विधियों का अभाव। विशेष शिक्षण विधियों का अभाव यानी कि हम औपचारिक ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो हमारे स्तर के अनुसार शिक्षक छात्रों के स्तर के अनुसार अपनी विधियों का प्रयोग करते हैं, एक विशेष शिक्षण विधियों के माध्यम से वो हमें ज्ञान देते हैं। लेकिन जो हमारा अनौपचारिक ज्ञान है उसमें हमारी किसी भी विधियों का समावेश नहीं होता है, ना वह हमारे स्तर के अनुसार, क्योंकि वो एक अनौपचारिक ज्ञान है, उन्हें ये पता नहीं होता कि हमें किन विधियों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर विधियों का ज्ञान भी नहीं होता और हमें ये विधि उपयोग में नहीं ली जाती। इसमें हम देखें तो सिर्फ अगर ज्यादा से ज्यादा जो विधि काम में ले तो हम उसे एक तरीके से व्याख्यान विधि का नाम दे सकते हैं, व्याख्या विधि का नाम दे सकते हैं, व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स से, अपने जानने वालों से, सिर्फ अगर उन्हें कोई चीज जाननी होती है, क्योंकि बालक का स्वभाव होता है उत्सुकता वाला, जिज्ञासुपूर्ण, तो वो क्या करते हैं अपने पेरेंट्स से प्रश्न पूछते हैं और उनका प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्हें व्याख्या करके समझाया जाती है। अगर किसी चीज को बच्चे नहीं समझते हैं तो पेरेंट्स उसको व्याख्या करके समझाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इसमें कोई शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं होता, और देखें तो इसमें एक व्याख्या विधि जिसमें
जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें जो भी चीज सिखाते हैं या हमारे पड़ोस में जहां से हम ज्ञान प्राप्त करें तो वो हमें एक व्याख्या करके उसे समझा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर हमारे लिए कौन सी विधियों का इसमें प्रयोग है उन विधियों का इसमें समावेश नहीं होता है। क्योंकि जो ये विधियां हम प्रयोग में लेते हैं ये हमें एक विद्यालय के द्वारा और एक औपचारिक ज्ञान के द्वारा हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फिर है हमारा व्यापक क्षेत्र। व्यापक क्षेत्र कहते हैं कि जो अनौपचारिक ज्ञान का क्षेत्र है वो व्यापक क्षेत्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कि जब हम विद्यालय से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो हमारे कहां तक एक व्यावसायिक शिक्षा और एक विद्यालय से संबंधित औपचारिक ज्ञान रह गया। लेकिन जब हम ये ज्ञान बाहर से समाज से कहते हैं कि जो अनौपचारिक ज्ञान है, अनौपचारिक ज्ञान को तो हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका क्षेत्र हमारा कैसा हुआ? व्यापक क्षेत्र हुआ। हम हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे देश से, या हम ये कहें कि हम इस ज्ञान को हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि ये अनौपचारिक ज्ञान तो औपचारिक ज्ञान के लिए जहाँ हमारी एक समय निर्धारित है, एक समय सीमा निर्धारित है, लेकिन अनौपचारिक ज्ञान के लिए ना तो हमें समय निश्चित होता है हमारे, हम इस ज्ञान को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो अनौपचारिक ज्ञान है उसका क्षेत्र, एक जो हमारा क्षेत्र होता है वो हमारा एक व्यापक क्षेत्र होता है। क्योंकि विद्यालय ज्ञान में हम अपने ज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करते हैं, लेकिन जो हम औपचारिक, जहां हम यहाँ पर व्यापक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम सामान्य ज्ञान लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष का हम यहाँ पर ध्यान नहीं करते। तो इसीलिए जो हम ये ज्ञान ले रहे हैं समाज से, परिवार से संबंधित, इस ज्ञान के क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। फिर आता है हमारा स्वाभाविक प्रक्रिया। जो हमारा अनौपचारिक ज्ञान होता है उसके लिए ये कहा जाता है कि अनौपचारिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जो विद्यार्थी स्वयं अपनी स्वाभाविक आदतों से सीखता है, अर्थात हम कहें कि बच्चे का जिस चीज के प्रति ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है वो वही ज्ञान प्राप्त करता है। अगर विद्यालय में हम आते हैं तो हम देखते हैं वहाँ हमें हमारी जो स्वाभाविक आदतें होती हैं उन आदतों में हमें परिवर्तन करना होता है। हमारे विद्यालय में हमें जो विषय पढ़ानी होती है, अनिवार्य होती है, वो विषय हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है वो अपनी स्वाभाविक आदतों के कारण, अपने स्वभाव से सीखता है। अगर उसे उस क्षेत्र में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो वो सीखेगा। अगर वो नहीं सीखना चाहता तो वो नहीं सीखेगा। यानी कि उसकी शौक की इच्छा, यहाँ उसका स्वभाव काम करेगा, उसकी आदतें काम करेंगी, उसके खुद का स्वभाव कि उसे किस क्षेत्र में रुचि है, तो वो उसी अकॉर्डिंग अपना ज्ञान प्राप्त करता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो एक स्वाभाविक ज्ञान, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इस स्वाभाविक प्रक्रिया के आधार पर बच्चा ज्ञान ग्रहण करता है, अपने स्वभाव के आदतों के आधार पर वो सीखता है। अभी हमारी नेक्स्ट इसमें छात्र के सर्वांगीण विकास का संभव नहीं, क्योंकि जो हम औपचारिक ज्ञान ले रहे हैं वहाँ हम देखते हैं कि जब हम विद्यालय से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो विद्यालय में हमें थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया जाता है और हम शिक्षित भी होते हैं, साथ में हमें एक व्यावसायिक शिक्षा का भी यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है वहाँ हम ओनली व्यवहारिक ज्ञान, अर्थात हम जहाँ ज्ञानात्मक पक्ष हमारा छूट जाता है, यहाँ पर हमारा भावात्मक पक्ष मजबूत होता है। यहाँ हम हमारा व्यवहारिक ज्ञान ग्रहण करते हैं, ना कि हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, और ना ही हमें यहाँ जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान से हमारा कोई आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अनौपचारिक ज्ञान, ये ज्ञान हमारा सर्वांगीण यानी छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं करता। तो इसीलिए ये अनौपचारिक ज्ञान को सर्वांगीण विकास के लिए एक बाधक है, इसके रूप में हम बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाते। फिर है हमारी चिंतनशील प्रक्रिया का अभाव। मैंने पहले बताया कि बच्चा जो यहाँ पर किसके आधार पर सीखता है, स्वभाव के आधार पर, क्योंकि उसके लिए कोई नियम नहीं होते, कोई समय नहीं होता उसके लिए एक, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चा यहाँ पर अपने चिंतन, अपने बुद्धि
वो चिंता नहीं करेगा। अगर उसे नहीं सीखना है, नहीं जानना है, तो वो उस चीज को, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्ञान देने वाले कौन है, हमारे अपने। तो हमें वहाँ चिंतन मनन करने सोचने की जरूरत नहीं होती। वहां पर बच्चा स्वयं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सीखता है। यहाँ पर वो चिंतनशील नहीं बनता। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अनौपचारिक ज्ञान है वो हमें एक चिंतनशील नहीं बनाता है, जिससे हमें इस चीज का अभाव रहता है। अब सेकंड हम देखें कि शिक्षक जो होता है, जब हम इन चीजों की बातें करते हैं, इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, आलोचनात्मक। हमने देखा था पिछली वीडियो में, मैंने बताया था कि औपचारिक ज्ञान में शिक्षक एक भूमिका आलोचनात्मक के रूप में भी निभाते हैं। क्यों निभाते हैं? क्योंकि जो ज्ञान वो देते हैं, उस ज्ञान को कितना बच्चों ने ग्रहण किया, इसको जानते हैं वो। और जानने के लिए जब उनके अंदर जहाँ कमी रहती है, उस कमी को दूर करने के लिए वो बच्चों की आलोचना करते हैं। लेकिन यहाँ जो अनौपचारिक ज्ञान है, क्या यहाँ हमारे अपने हमारी आलोचना करते हैं? नहीं करते। कहीं ना कहीं आलोचना में वो हमारी पक्षपात कर जाते हैं। हम देखते हैं एक ही परिवार में हमें अगर पिता डांटते हैं तो माता हमारा पक्ष लेती है, और माता हमें डांटती तो पिता। तो यहाँ पर हमारी आलोचना को दबा दी गई, हमारी आलोचना नहीं की गई। अगर एक ने आलोचना की है तो दूसरे ने ये कहा कि नहीं, ये सही है। तो यही चीज यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ जो अनौपचारिक ज्ञान में हमारे बच्चों को, स्वयं को, छात्र को अपनी आलोचना तक जो आलोचनात्मक पक्ष है वो भी कमजोर रहता है। उन्हें अपनी कमियों के बारे में पता नहीं चलता कि आखिर उनकी कमी क्या है। तो ये भी हमारी एक इसमें कमी रहती है कि कौन कौन सी इसमें किस तरीके से बच्चे के अंदर कमी है। क्योंकि जब तक हमारी आलोचना नहीं की जाती है, तब तक बच्चों को अपनी जो कमी है उसे पता, कमी पता नहीं चलती। और अब जब उसको कमी पता नहीं चलेगी, तो कमी पता नहीं चलने के बाद में वो अपनी जो कहते हैं ना कि ज्ञान को ग्रहण करने में वो एक रुकावट बन जाएगा, और उस चीज के बारे में वो पूर्ण रूप से वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब हम देखें एक चीज इसमें कि जब ये सब चीज हमने देखे हैं, तो हमने एक चीज और नोट की है इसमें कि क्या छात्रों का जब अनौपचारिक ज्ञान दिया जाता है, तो उसके अंदर जो छात्रों के लिए हम पाठ का वितरण करते हैं वो भी असमान होता है। पाठ का वितरण निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो मैंने अभी लास्ट इस पॉइंट में बताया था कि वहां पर हमें ये देखना ही नहीं होता कि बच्चों का एक क्रम ही नहीं है, वहां पर क्रम निर्धारित नहीं है, इस तरह अनुकूल उनको हम ज्ञान ही नहीं दे रहे, तो वो पाठ का वितरण कहाँ से करेंगे? क्योंकि वहां तो बड़े भी उसी जगह है और छोटे भी, क्योंकि उनकी तो कोई पृथक व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए जो हम पाठ का वितरण कर रहे हैं वो वितरण भी हम समान रूप से, क्योंकि शिक्षक जब अपने पाठ का वितरण करता है तो वो अपने तीनों पॉइंटों को साथ में लेके चलता है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनका भी ध्यान रखते हैं, जो बच्चे मध्यम होते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं, और जो बच्चे कमजोर होते हैं उनका भी ध्यान। वो अपने पाठ का वितरण इस तरीके से करते हैं कि सभी विद्यार्थियों में समान रूप से उसका प्रसारण हो। लेकिन अनौपचारिक ज्ञान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि पाठ का वितरण समान रूप से हो पाए। तो हम जो पढ़ रहे थे, हमने देखा कि शिक्षक की भूमिका भी हमारे दो रूप में होती है, औपचारिक रूप में और अनौपचारिक रूप में। औपचारिक रूप में हम देखते हैं कि विद्यालय के शिक्षक हमारे शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, और अनौपचारिक ज्ञान में हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे आसपास के रहने वाले लोग हमारे शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया कि किस किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो कहते हैं कि जो अनौपचारिक ज्ञान दिया जाता है, शिक्षक जो हमें अनौपचारिक ज्ञान देते हैं वो किस तरीके से देते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, ये मैंने आपको इन पॉइंटों के, इन बिंदुओं के माध्यम से बताया। पहला था हमारा क्रमबद्धता का अभाव, सेकंड था हमारा प्रारंभिक संवाद की कमी, थर्ड था अनौपचारिक व्यवस्था, फोर्थ था स्तर अनुकूल ज्ञान का अभाव, फिर था विशेष पाठ्यक्रम का अभाव, विशेष प्रक्रिया का अभाव, विशेष शिक्षण विधियों का अभाव, और
व्यापक क्षेत्र, क्योंकि जो हमारा कहते हैं अनौपचारिक ज्ञान का क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। इसमें स्वाभाविक प्रक्रिया, छात्र के सर्वांगीण विकास इससे संभव नहीं हो पाता है। चिंतनशील प्रक्रिया का इसमें अभाव होता है। आलोचना नहीं दिखाई देती इसमें। पाठ का वितरण हम सही ढंग से नहीं कर पाते। तो ये थे हमारे आज अनौपचारिक रूप में शिक्षक की भूमिका। धन्यवाद।